नमस्कार। जिस तरह से 2017 के बाद योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजमार्ग परियोजनाओं पर काम किया है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। कुल मिलाकर आने वाला समय अब उस उत्तर प्रदेश का है जिसे कई दशकों तक कई राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ विकास के नाम पर लॉलीपॉप ही दिखाई हो, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का समय बदल रहा है और उत्तर प्रदेश में लगातार नई नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। योगी सरकार के आंकड़ों को देखें तो पहले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बेहद ज़्यादा जरूरी 4-5 एक्सप्रेसवे पर एक साथ काम करवाया था और अब इस दूसरे कार्यकाल के शुरू होते ही एक और आधुनिक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बारे में। तो आपको बता दें कि आगे के वीडियो में हम इस एक्सप्रेसवे के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ आप शेयर भी कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश की राजधानी मतलब कि नवाबों का शहर लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर के बीच में एक नया हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बनने की योजना है। इसका उद्देश्य दोनों महानगरों के बीच की दूरी को कम से कम समय में तय करना होगा। फिलहाल इन दोनों शहरों के बीच की दूरी तय करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी महज 30 मिनट में तय की जा सकेगी। बता दें कि कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी तकरीबन 63 किलोमीटर की है। अभी इन दोनों शहरों के बीच जो सड़क है वह सकरी है और हमेशा जाम की परिस्थिति उस सड़क पर बनी रहती है और एक्सप्रेसवे ना होने के कारण लोगों को ज्यादा समय लगता है। आपको यही बता देते हैं कि चूंकि लखनऊ और कानपुर दोनों उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से 2 बड़े शहर हैं, इसलिए यहां आने जाने वाले लोगों में आम लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में व्यवसायी और नेता भी शामिल हैं। इस एक्सप्रेसवे के बारे में सबसे खास बात यह है कि यह 3D ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। बता दें कि यह एक्सप्रेसवे के डेवलपमेंट के लिए 3D AMG टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला एक्सप्रेसवे होगा। आप लोगों में से शायद कई सारे लोगों ने पहली बार 3D ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, तो चलिए थोड़ी बहुत जानकारी मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं ताकि आप इसके महत्व को समझ सकें। आपको बता दें कि इस मॉड्यूल का इस्तेमाल हाईवे निर्माण के लिए किया जाता है और इस तकनीक के इस्तेमाल से हाईवे को बनाने की रफ्तार लगभग 2 गुनी हो जाती है। साथ ही इस तकनीक के माध्यम से NHAI के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर अपने फोन और कंप्यूटर पर काम की गति का सीधा अपडेट पा सकेंगे। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो भी मशीन्स एक्सप्रेसवे को बनाने में काम कर रही होती हैं, उन सारी मशीन्स को AMG टेक्नोलॉजी की मदद से गाइड किया जा सकता है। इससे एक्सप्रेसवे तो रफ्तार से बढ़ेगा ही, साथ साथ किसी भी छोटी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकेगा। कुल मिलाकर यह टेक्नोलॉजी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे सालों में बनने वाले एक्सप्रेसवे महीनों में बनाए जा सकते हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भारत का ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए अब इस एक्सप्रेसवे की आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे की डिजाइन 8 लेन के हिसाब से तैयार की गई है, लेकिन एक्सप्रेसवे की सड़क 6 लेन की होगी। साथ ही फ्लाईओवर के स्ट्रक्चर 8 लेन के होंगे। इसके तहत शहीद पथ लखनऊ से बनी तक सेंट्रल डिवाइडर पर सिंगल पिलर पर 6 लेन एलिवेटेड रोड बनेगा। इसके बाद बनी से उन्नाव होते हुए आजाद चौराहे तक रोड 6 लेन की होगी। एक्सप्रेसवे को गंगा वैराज मार्ग, उन्नाव लालगंज हाईवे और कानपुर में बनने वाले आउटर रिंग रोड से भी जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे की वजह से कई सारे गांव का विकास होना तय है, इसलिए जिन जिन गांवों से यह एक्सप्रेसवे गुजर रहा है उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। इनमें शामिल होंगे लखनऊ के पास अमौसी, बनी, बंथरा, सिकंदरपुर, बहससा, चिलम्बा, गेहरू, गौरी, खाड़ेदेव, मीरनपुर, पिनबट, नटकुर और सराय शजारी गांव से एक्सप्रेसवे गुजरेगा। आपको बता दें कि लखनऊ के इन सारे गांव से गुजर रहे एक्सप्रेसवे के लिए लगभग 20 हेक्टर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। वही बात करें उन्नाव के पास के गांव की तो उनमें शामिल है बजहरा, हिनौरा, हसनापुर, सहरावन, काशीपुर, भीकामऊ, कंथा, सरिया, बछौरा, मनिकापुर, मेडपुर, रायपुर, तुरी छविनाथ, तुरी राजा साहेब, पाठकपुर, तौरा, जगहट्टा, पडरी खुर्द, जरगांव, गौरी शंकरपुर, नवरेना, शिपुर ग्रांट, अदरेवा, बेहटा, मोदिनपुर, अमरसोस करौंदी, कुरारी कलन, कादेर और पटारी। कुल मिलाकर लगभग 40 से 50 गांव इस पूरे एक्सप्रेसवे के रूट में आएंगे। आपको यही बता देते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 1 इंटरचेंज, 6 फ्लाईओवर, 1 रेलवे ओवर ब्रिज,
38 अंडरपास और 3 बड़े पुल भी इस एक्सप्रेसवे के हिस्सा होंगे। इसके अलावा लगभग 28 छोटे पुल का निर्माण भी इस पूरे एक्सप्रेसवे के तहत किया जाएगा और साथ ही पैदल चलने वालों के लिए लगभग 22 अंडरपास भी बनाए जाएंगे। वहीं उनाव के पास में टोल प्लाजा का निर्माण भी कराया जाएगा। बात करें इस एक्सप्रेसवे के रिसेंट स्टेटस की, तो आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण का कार्य समाप्त हो चुका है और रिसेंटली एक कंपनी को टेंडर भी अलॉट हुआ है और जिस कंपनी को उसका टेंडर दिया गया है उसका नाम है PNC इंफ्रा। आपको बता दें कि PNC देश में चल रहे अन्य एक्सप्रेसवे पर भी काम कर रही है। बात करें इस पूरी एक्सप्रेसवे की लागत की, तो आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे लगभग 4,700 करोड़ रुपए की लागत से 2023 तक पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है कि लखनऊ कानपुर का यह एक्सप्रेसवे का वीडियो आपको बेहद ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।